हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर एपिथेलियम एंड इट्स कैरेक्टर्स। यहाँ पर दिया है सिंपल एपिथेलियम कंपोज बाय सिंगल सेल, तो ये इनकरेक्ट हो जाते हैं बच्चों। सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल सेल से नहीं बनी है कि एक सेल से पूरा एपिथेलियम बन गया, ये इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सिंपल एपिथेलियम मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद रेगुलर बाउंड्रीज, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सिंपल एपिथेलियम जो होती है ना, वो आपकी कैसी होती है, वो बनी होती है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स से विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ओके, रेगुलर बाउंड्रीज में, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ना, वो टू और मोर सेल लेयर से मिलकर बना है, टू और मोर सेल लेयर से मिलकर वो बना होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। ओके, तो ये करेक्ट हो जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस व्हिच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ये सिंपल एपिथेलियम के लिए है, कंपाउंड के लिए नहीं। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है, वो है आपका ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 101 एंड 102 पर गिवन है। थैंक